खबर आपको दें कि कराची के आवाम में एहसास महरूमी आसमान से बातें कर रहा है, लेकिन MQM पाकिस्तान सिर्फ वजारतों के चक्कर में है, जिसे वोटर्स बदजन हो रहे हैं। फारूक सत्तार की मुतहदा क्यादत पर वार, बेख्तियार बल्दिया को छोड़ें और आवाम के साथ खड़े हों। मेयर कराची वसाइल का रोना छोड़कर बाहर निकलें और शहरी मसाइल के हल के लिए वजीर आला हाउस के बाहर धरना दें। आधी MQM चक्कर में है कि पीपल्स पार्टी के साथ मामला हो जाए ताकि उन्हें वजारतें मिल जाएं, और आधी इस चक्कर में कि नहीं PTI के साथ ही हो ताकि उनकी वजारतें बची रहें। तो सारी जद्दोजहद का महासिल और खुलासा क्या हुआ? वजारतें, चाहे वफाकी हो चाहे सूबाई, और तनख्वाह क्या? वही जिस पर काम कर रहे हैं अवाम। MQM पाकिस्तान है जो बल्दियात में भी है और वफाक में भी है, दो हुकूमतों को एंजॉय कर रहे हैं आप। एहसास महरूमी आसमान से बातें कर रहा है, PTI को कोई फिक्र नहीं है। 14 सीटें मिल गई, कल मिले ना मिले, उनका एक टाइम का एजेंडा पूरा हो गया। PTI से भी बदजन है, पीपल्स पार्टी से तो बदजन है ही, और अब सबसे ज्यादा बदजन है तो ये MQM पाकिस्तान। बेवसीला बल्दिया को आवाम के साथ खड़े हों, वजीर आला हाउस पर चलें, एहतजाज करें, लोगों को मोबालाइज करें। मैं साथ हूँ और मुझे यकीन है कि मुस्तफ़ा कमाल भी फिर साथ होगा। वो साबिक मेयर है मुस्तफ़ा कमाल।